गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल शिशुपा पौर्णास ब्लॉग। और आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब आ गई हूँ ब्रेकफास्ट खाने। हस्बैंड जो है चले गए ड्यूटी, थोड़ा सा काम हुआ और मछली जो है वो बनाना बाकी है। तो आज जो मैं बनाऊंगी वो है दही मछली, दही कतला। आप लोगों ने सुना होगा, तो वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज। तो इसलिए मैंने अब तक नहीं बनाया, उनको टिफिन बना के दे दिया। तो डेली की तरह जो हमसे बड़े हैं उनको नमस्ते, और जो मेरे से छोटे 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 सब्सक्राइबर हो उन सब के लिए ढेर सारा प्यार, और जो मेरे एज के हो उनके लिए थैंक यू वेरी मच, और जिन जिनका आज बर्थडे है उनके लिए हैप्पी हैप्पी बर्थडे, और जिस जिसका आज मैरिज एनिवर्सरी है, अभी जो है ये महीना जो है मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज का ही महीना है, तो इसमें तो जरूर किसी ना किसी का मैरिज होगा ही होगा, मतलब हो चुका ही होगा। तो उन सब के लिए मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और अभी मैं खाना खाने आ गई हूँ, बैंगन फ्राई और रोटी, ये वाला रोटी कोको का छोटा वाला कोको जब हम खाएंगे तो भाव भाव करेंगे, तो उसके लिए ये। और क्या, बस मजे से रहिए, खुश रहिए। मैं भी बहुत खुश हूँ, YouTube में जब से आई हूँ और ज्यादा खुश हूँ। अभी मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं जो हूँ चाय पीऊंगी। चाय नहीं मिस होगा मेरा, चाय बना के रखे है, लेकिन ये बनाना है ना, तो इसके साथ चाय नहीं पी सकती ना, तो इसको खाना मतलब ब्रेकफास्ट खत्म करके उसके बाद जो है थोड़ा टाइम बाद मैं आज चाय पीऊंगी। पता नहीं आज चाय के साथ आ पाऊंगी कि नहीं, लेकिन शाम के चाय के साथ जरूर आऊंगी। तो तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और मेरे ये जो वीडियो है ये पूरा देखिएगा, बीच पे मत छोड़िएगा, प्लीज एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ जो नीचे बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि मेरे जो वीडियोस है जब भी आएगा नोटिफिकेशन में आप लोगों के पास आ जाएगा। तो अभी मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए एंड तक। मैं अभी खाना खाती हूँ। के साथ आप लोगों के पास आज ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि दही कतला जो है वो मुझे बनाना है, आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो मैं अभी ज्यादा बात कर लूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, जो अच्छा नहीं है, आप लोगों को भी देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा कि इतना लंबा वीडियो। इसलिए मैं फटाफट से चाय खत्म करती हूँ, उसके बाद मम्मी से थोड़ा बात कर लूंगी, क्योंकि हाउस वाइफ को मम्मी से बात करना तो बनता है यार। तो मैं मम्मी से थोड़ा सा फटाफट बात करके फिर मैं दही कतला जो बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कोको जो है अब सो गया है, मम्मी जो है अभी पता नहीं रूम में क्या कर रही है, मतलब मेरी जो सास है, हस्बैंड जो तो ड्यूटी चले गए, और बेटी का जो क्लास चल रहा है। तो अभी मैं पी लेती हूँ फटाफट से मेरे चाय, सुबह की दूसरी चाय, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए मेरा दही कतला देखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं दही कतले के दिखाई दिया, उसके साथ मैंने बनाया है ये, मैं बोल रही हूँ ना, फिश का एक और आइटम बना था ये, इसको हम लोग बोलते हैं मुड़ी घंटो। तो ये फिश का जो मुंडी रहता है ना, मुंडी हेड हेड का आलू और एक चावल रहता है हमारे इधर, उससे बनता है ये बना, और बना है ये, अरे खुल जा मेरे लिए, और ये बना है एक पालक का सब्जी, पालक का पत्ता देके एक सब्जी। तो ये दो जो है हस्बैंड लेके गए, ये और चावल, ये अभी बना है, ये हम दोपहर को नहीं खाएंगे, ये खाएंगे हम लोग रात में सब मिलके, क्योंकि मिलके खाने का मजा ही अलग है। ये कतला बन गया, अभी मैं जाऊंगी नहाने, लेकिन उससे पहले कपड़ा आज नहीं है धुलने लायक हाथ से कुछ भी, तो अभी पोछा लगाना है। कोको जो सो रहा है, देखिए
सो रहा है कोको, जब तक सोएगा तब तक मैं सोचूंगी कि पोछा लगा लूं, लेकिन हो नहीं सकता ये, क्योंकि जब भी मैं नल खोलूंगी ना तभी वो उसके साउंड से जग जाएगा। तो देखते हैं कितना टाइम तक वो देता है, नहीं तो उसको बांधना पड़ेगा फिर से। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो अब जो है मेरा नहाना हो गया और खाना खाने में बैठ गई बेटी और सास। अब मैं भी खाऊंगी। क्या लग गया मुझे, कोको जो है वो खाना खा के सो गया। देखिए अब मैं खाना खाने बैठूंगी, लेकिन एक बात जो है जिसके लिए मैं ऑन हुई हूँ वो है जो कतला कालिया का, जो कतला दही कतला का जो रेसिपी है वो मैं इस ब्लॉग में नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर मैं इस ब्लॉग में डालूंगी तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं अलग से एक ब्लॉग तो नहीं, बस वो रेसिपी वाला एक वो करके वीडियो डालूंगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी, लेकिन मेन जो रेसिपी है वो मैं अलग से डालूंगी, ये बोलने के लिए मैं आई थी। अब चलो सब खाना खा रहे, मैं भी जाती हूँ खाना खाने, जल्दी जल्दी भूख लग गई मुझे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं जो हूँ सो के जग गई हूँ अभी एज यूजुअल डेली की तरह, और उस रूम में जो है सास टीवी देख रही है। दीदी नंबर वन, डेली मैं इसी टाइम जगती हूँ, मतलब जग गई काफी टाइम पहले, लेकिन अभी भी बेड पे ही हूँ। तो अभी जाऊंगी चाय बनाने, बेटी को दूध देने, कोको को कुछ नहीं दूंगी, आज बहुत गुस्सा हो, कोको ने आज घर पे सुसु कर दिया, वो भी सास के रूम पे। उसको डांट पड़ी, नहीं उसको खाने के लिए देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन जो है देखते ज्यादा कुछ नहीं देंगे, ज्यादा दे देते ना तो फिर रात को कुछ नहीं खाता है। कल जैसे मैंने उसको शाम को सेरेलैक दे दिया, उसके बाद उसने रात को खाना है, मतलब इतना सा खाया उसने, तो फिर अच्छा नहीं लगता, इतना बड़ा रात है, फिर सुबह ही मिलेगा खाना उसको, इसलिए मैंने अभी उसको ज्यादा कुछ हेवी कुछ नहीं देना है, बस लाइट कुछ बिस्किट वगैरह दूंगी, उसका बिस्किट है, हम लोगों का बिस्किट है, जो भी है कुछ ना कुछ देंगे। वो फैन है, वो वाला है जो ऐसे स्टैंड फैन जो बोलते हैं ना, वो है, बुरा लग रहा है दिखने में, लेकिन इधर बहुत ज्यादा मकड़ी है तो जाले पर जाते हैं बहुत ज्यादा, तो इसे ढक के रखने से सही रहता है। तो अभी चलती हूँ चाय बनाने, अगर हो सके तो मैं आऊंगी आप लोगों के साथ चाय कप के साथ, अगर नहीं हो सके क्योंकि मुझे बाहर जाना है थोड़ा सा, तो फिर नहीं आएंगे एक बार, फिर रात को आएंगे। और कतला दोई कतला जो बनाया वो हस्बैंड और बेटी से सुनेंगे आप कैसा बना है, ठीक है, तो वो भी दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी अगर वो लोग कैमरा के सामने आए तो। बेटी तो आ जाती है, लेकिन उसके पापा थोड़ा सा नौटंकी करते हैं, नौटंकी को लड़कों के लिए क्या होता है, आप लोग नौटंकी लड़कों के लिए की भी क्या नौटंकी होता है, आप लोग जरूर मुझे बताएंगे, ठीक है। अभी मैं चलती हूँ, बेटी का दूध देने का भी टाइम हो गया, ओके बाय बाय, अभी चलती हूँ, बाद में फिर आती हूँ। तो आ गई मैं चाय के साथ, अच्छा कोको भी आ गया, देखिए। तो मैं जो हूँ अभी चाय पीऊंगी, वो भी ब्रिटानिया रस्क के साथ, मुझे बस यही वाला रस्क अच्छा लगता है, और कोई रस्क अच्छा नहीं लगता, ब्रिटानिया का रहता है, तो ये रस्क के साथ अभी मैं पीऊंगी गर्मा गर्म चाय। देखिए सब खा रहे हैं, एक एक करके पूछ रही हूँ मैं कैसा बना दही कतला। बहुत अच्छा बना, पर थोड़ा सा तीखा था। अच्छा ज्यादा तीखा हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गया। आप बताओ कैसा बना। बिना मछली का बंगालियों का खाना नहीं बनता है, बंगाली ऐसे है कि उनका अगर मछली का फोटो भी दीवार में चिपका दो तो पूरा साफ कर देगा, थाली में मछली है। कैसा बना इतना तो बता दो, इतना डायलॉग। और मम्मी माँ कैमन होइछे। बस मम्मी जो है बंगाली में बोल दिया उनको, उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ, ठीक है तो इन लोगों को खाने दीजिए। हम सब लोग जा रहे हैं छत पे, मैं चॉकलेट खा रही डायरी में, तो हम सब गए छत पर। छत पर जा रहे हैं, कल संडे है,
नहीं सॉरी कल सैटरडे है, सुबह उठने के जल्दी नहीं है। ये छत पे थोड़ा सा घूम के हम लोग नीचे जाके सो जाएंगे, तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। कल मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ रहिए, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और ज़्यादा ज़्यादा कर लो ताकि मेरे चैनल थोड़ा सा आगे चले जाए आप लोगों की वजह से। और नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। कोको देखिए उसको दौड़ना है, तो यहाँ पे रुके हुए हैं हस्बैंड, मेरी बात सुन रहा है और हंस रहा है कि मैं कैसे बात कर रही हूँ। तो ठीक है, अब तक के लिए इतना ही, कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। हम लोग थोड़ा सा छत पे घूम लेते हैं, उसके बाद सो जाएंगे, आप लोग भी सो जाइए, गुड नाइट। अभी 11 बज चुका है, हम लोग 5-10 मिनट रह के चले जाएंगे, है ना। तो तुम्हारा रिव्यू कुछ आज कैसा खाया? बहुत अच्छा खाया, हाँ। पर बहुत तीखा है सही में, थोड़ा सा तीखा बन गया था, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ठीक से बना लूंगी। और आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, ये सही में खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, मेरा जो वीडियो है वो पब्लिश्ड हो गया है आज ही, तो आप लोग देख लीजिएगा ये वाला वीडियो, उससे पहले वो वाला वीडियो पब्लिश्ड हो गया तो उसको पहले देख लीजिएगा कि कैसे बनता है, उसमें सारी रेसिपी जो है दिया हुआ है। तब तक के लिए, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।